जा कहाँ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो ना, तो ऐसे साइड लुक बैक लुक ऐसे, मतलब क्या चेक कर रहे हो? भाई चेक कर रहा हूँ कि मैं कितना मोटा हो गया हूँ कि नहीं हुआ हूँ। कहाँ जा रहे हो? डेट पे चलना है? हाँ आ जा चलो चले। पर चलो, तू आगे कबाब में हड्डी नहीं बनेगी फिर? मैं ही तो हूँ कबाब। तो कबाब है तो कबाब जैसे बनना, ये क्या नाम है, कटे पिटे अगर छिले हुए तुम सब्जी की तरह क्यों दिख रही अभी? तो पहले नहा लो छिले जैसे। हुए सब, मैं अच्छे से रेडी होती हूँ शाम को, आप तब छिले हुए बन जाते हो और फिर जाते टाइम ऐसे हो जाते हो। चलो चलो ठीक है, सबको बाय बोल दो, अब जा रहे हो ऑफिस, मतलब बाय नहीं, बाय। ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। इसको मतलब तू मेरे को देखते के साथ ही तेरे को उसे बाय ही आ जाता है। गाइस ये बहुत बदमाश है, मैं बता रहा हूँ, उसकी बात मत सुनो, आज मेरी मुझे बात बहुत सुनो। काम है, अब भागो यहाँ से। आप ये बताएं कैसे बढ़िया, हैं आप? चले चलो मैं चलो निकलता हूँ, मैं मिलता हूँ शाम को। ओके। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज है रोजो का थर्ड डे एंड सुबह का टाइम है, जी तभी ऑफिस निकल रहे। हम लोग सब कल एक ही रूम में सो गए थे, तो वही बस थोड़ा सा सेटिंग कर रही हूँ, देन खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, आज हम लोग किसी को डिनर पे बुला रहे हैं। बेसिकली संग्राम माया है, हम लोग हैं एंड हमारे जो फ्रेंड जो ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं वो लोग हैं एंड और एक ओडिया फैमिली है, तो बस यही है। तो सोचा कि थोड़ा सा खाना वाना बना लूँ, फिर मैं नहाऊंगी, नहीं तो नॉनवेज वगैरह बनेगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। एंड जैसे कि मैंने बताया था ना कि गैस बर्नर हमारा अच्छे से नहीं चल रहा है, तो किसी को हमने बुलाया था, लकीली वो आज ही आ गए, तो उन्होंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, मतलब अभी अच्छे से वो जल रहा है, तो कुकिंग में थोड़ा सा ना आसानी हो गया। तो जब तक वो किचन में काम कर रहे थे, मैंने सोचा कि चॉपिंग वगैरह जो है वो लिविंग रूम में कर देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ, मतलब ओडिशा में ना मटन ज़रूर बनता है रोजो में, मतलब एक होता है कि रोजो है तो मटन बनेगा। तो आज वेडनेसडे भी है एंड थर्ड डे भी है रोजो का, तो आज मटन करी जो उड़ीसा स्टाइल वो बना लूँगी, फिश बेसरो माछो बेसरो जिसको बोलते हैं वो बना लूँगी, दही बैगन है, चिली पनीर है, दाल बना लूँगी, देन वो ऑरेंज मोहितो बनेगा, वड़ा बना लूँगी जो स्टार्टर में, इसी टाइप का सलाद पापड़ यही सब रहेगा। तो चॉपिंग वगैरह हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो एंड यहाँ पे मैं फॉइल लगा रही हूँ गैस में, क्योंकि ज़्यादा कुकिंग होगा तो फिर गंदा हो जाएगा। पहले हमेशा मैं फॉइल लगा के कुकिंग करती थी, बट पता नहीं जब से इस घर में आई हूँ मुझे ध्यान ही नहीं रहता, तो मैंने फॉइल लगाना बंद कर दिया। बट जो अभी आए थे ना क्लीनिंग करने के लिए, मतलब गैस स्टोव का जो काम करने के लिए, उन्होंने बताया कि फॉइल लगा के काम किया करो तो अच्छा रहता है। एंड यहाँ पे मटन जो है ना मैंने रात को ही मैरिनेट करके रख दिया था, इसमें हल्दी नमक लाल मिर्च का पाउडर जिंजर गार्लिक का पेस्ट दही एंड थोड़ा सा मीट मसाला वही डाल के मैरिनेट करके रख दिया था। बस अभी काम स्टार्ट करेंगे कुकिंग का। तो एक तरफ ना मैं जो मटन के लिए प्याज भुनने के लिए रख दिया है एंड दूसरी तरफ जो दही बैगन बनेगा उसके लिए बैगन में मैंने थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के उसको बस हल्का सा दोनों साइड से फ्राई कर लूँगी। तो जो भी रेसिपी मतलब जो भी आज मैं बना रही हूँ की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की है बहुत बार, इसलिए आज बस डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज भुनने के बाद ना जो मैरिनेट करके मटन हमने रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसको बस बीच बीच में चलाते रहना है, इसीलिए पहले ही मैंने इसका मतलब इसको भुन लिया है। अभी इसको मैं एक साइड में बस धीरे धीरे चलाती रहूँगी एंड बाकी का काम करती रहूँगी। यहाँ पे माया सारा कटिंग चॉपिंग सब कर रही है एंड गैस मेरा इतने अच्छे से जल रहा है कि खाना बनाने का मज़ा ही कुछ अलग है। चारों बर्नर का मैं यूटिलाइज कर रही हूँ आज, क्योंकि देखिए कितने अच्छे से जल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ज़्यादा बैगन थे तो मैंने थोड़ा इसको फ्राई कर लिया है। इधर संग्राम हनी बनी को पढ़ा रहा है कि हनी बनी संग्राम को पढ़ा रहा है पता नहीं। ये देखो सोए की कौन पढ़ू चू बस है। तो एक तरफ को मैं यहाँ पे फिश फ्राई कर रही हूँ जो मस्टर्ड पेस्ट के साथ में बेसरो बनाएंगे, एंड एक तरफ को मैं पनीर हल्का सा बस फ्राई कर रही हूँ चिली पनीर के लिए, एंड वहाँ पे मटन जो है वो ढक के अच्छे से उसको भून रही हूँ। तो मटन करीब 60% भुनने के बाद यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, देन टमाटर को भी अच्छे से भुनने तक इसको ढक के कुक करेंगे। तो ऐसे ही धीमी आँच में उसको ढक के कुक करने से मुझे प्रेशर कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मटन जो है वो अच्छे से गल भी जाता है, अच्छा स्वाद भी आता है। तो बस यहाँ पे मैं दही बैगन के लिए उसका जो मसाला है वो बना लूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो थोड़ा सा ऑयल लिया है उसमें जीरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड कड़ी पत्ता जो है वो ऐड कर दूँगी। इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा टमाटर, देन स्लाइस किया हुआ अनियंस, उसके ऊपर नमक,
देन लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर एंड धनिया पाउडर, बस हल्का सा उसमें पानी ऐड करके मसाला जो है वो भून लेंगे। एंड दूसरी तरफ मैंने मस्टर्ड पेस्ट ऐड करके जो फिश का जो मसाला है वो अच्छे से बना लिया था, एंड उसमें मैंने ड्राई मैंगो ऐड किया है टैंगी फ्लेवर लाने के लिए। एंड बिल्कुल हल्का सा पानी दे के, पानी में जैसे ही बॉयल आया उसमें फ़िश ऐड कर दिया। एक्चुअली दाल भी बना रही हूँ एंड जो मटन है वो भी ग्रेवी वाला बना रही हूँ, इसलिए मैंने फ़िश जो है वो थोड़ा सा सेमी ग्रेवी टाइप का रखा है। तो यहाँ पे मटन अच्छे से भुन गया था, इसमें मैं पानी जितना भी चाहिए वो मैं गर्म पानी उसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ दही बैगन का जो दही है वो लिया है मैंने, उसमें नमक ऐड कर दिया एंड बिल्कुल हल्का सा चीनी ऐड कर दिया है एंड उसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। आप चाहो तो फेंट भी सकते हो ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी बन जाए। तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट टाइप का दही बैगन बनाती हूँ, बिल्कुल ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो बैगन हमने फ्राई करके रखा था ना उसको स्प्रेड कर दिया एंड उसके ऊपर मसाला जो है वो हल्का सा स्प्रेड कर दिया है। तो ऐसे हम लोग 3-4 लेयर जो है वो बनाएंगे दही बैगन का। देन ये स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर से दही ऐड कर दिया है, अगेन एक लेयरिंग कर लेंगे बैगन एंड मसाले की एंड ऊपर से दही ऐड कर देंगे। तो बस इसके ऊपर आप चाहो तो कड़ी पत्ता एंड सूखी मिर्च का तड़का भी लगा सकते हो, तो मैं तड़का नहीं लगाती हूँ। इसके ऊपर बस भुना हुआ जीरा एंड लाल मिर्च का जो पाउडर है ये डाल दूंगी। तो ये हमारा दही बैगन बनके रेडी है। यहाँ पे चिली पनीर बना लूंगी, उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, गार्लिक ऐड किया है एंड खूब सारा अनियन। आज मुझे क्यूब्स में काटने का मन नहीं किया था, सारा मैं स्लाइस करके ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे अनियन जो है वो स्लाइस करके ऐड कर दिया है, अनियन हल्का सा बस भुनने के बाद उसमें ऐड कर दूंगी। टमाटर सब कुछ मैं स्लाइस करके ऐड कर रही हूँ। टमाटर को भुनने के बाद यहाँ पे मैंने कैप्सिकम ऐड कर दिया था एंड चिली सॉस, केचप, विनेगर एंड सोया सॉस, जो बेसिक सॉस होता है वही सब ऐड कर दिया। देन इसमें फ्राई किया हुआ जो पनीर है वो ऐड कर दूंगी। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, बस दाल में तड़का लगाना है एंड बाकी छोटे मोटे काम। तो यहाँ पे अभी दाल में छोंक लगा दूंगी, या मिट्टी का बर्तन मैंने लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल एंड थोड़ा सा घी ऐड किया है, जीरा, हींग ऐड कर दिया है, गार्लिक यहाँ पे ऐड कर दिया है एंड जो स्लाइस कटे हुए अनियंस वो ऐड कर दिए है, ग्रीन चिली एंड थोड़ा सा धनिया पत्ता। बस यही सिंपल सा तड़का मैं लगाती हूँ एंड टमाटर को मैं जो दाल बॉयल करते टाइम ही टमाटर जो है वो मैं उसी में बॉयल कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल को ऐड कर दिया, ऊपर से बस थोड़ा सा धनिया पत्ता और ऐड करके बॉयल कर लेंगे। एंड यहाँ पे उड़द दाल को मैंने रात भर भिगो के रखा था, उसको पीस लिया है। ये बिल्कुल उड़ीसा में स्ट्रीट स्टाइल का जो वड़ा होता है छोटे छोटे साइज के, उसी टाइप का है। तो उसमें मैंने धनिया एंड कड़ी पत्ता, हरी मिर्च एंड प्याज ऐड किया है, खूब सारा प्याज इसमें ऐड होता है। इन ऊपर से थोड़ा सा जीरा एंड काली मिर्च जो है वो ऐड किया है एंड स्वाद के अनुसार नमक। बस इसको मिक्स कर देंगे एंड हल्का सा इसमें सूजी भी ऐड करेंगे एंड इसको मैं साइड में रख दूंगी। तो ये बन के रेडी हो गया, हमारा दही बैगन बन के रेडी है एंड चिली पनीर भी रेडी है। तो चिली पनीर को मैं उस बर्तन में सर्व करूँगी, इसलिए मैं भूल ना जाऊँ इसलिए उसके नीचे रखा है। एंड यहाँ पे माछो बेसरो यानी कि फिश वो भी रेडी है, दाल भी रेडी है, यहाँ पे अरहर की दाल है ये, एंड मटन तो रेडी हो गया था तो मैंने इसको ये मिट्टी के बर्तन में निकाल दिया है। एंड यहाँ पे जो वड़ा का जो बैटर है वो रख दिया है, वो तो बस फ्राई होगा आने के बाद सब लोग। एंड यहाँ पे मैं ऑरेंज मोहितो बनाऊंगी, तो वो भी मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, तो इसके लिए यहाँ पे ऑरेंजेस एंड जो मिंट है वो निकाल के रख दिया है। इसकी रेसिपी मैंने 4-5 दिन पहले ही शेयर की थी, इसलिए आज और कुछ भी नहीं बता रही हूँ। एंड सलाद वगैरह वो सब कटेगा तो बस साइड में निकाल के रख दिया है जो भी काम है, ताकि सामने दिख जाएगा। पापड़ भी मैंने तल लिए हैं, तो बस बन के सब कुछ रेडी हो गया, बस चावल बनेगा, रोटी बनेगा एंड सारा जो घर का क्लीनिंग होगा। गाइज ये है मेरे रोजो का day 3 फाइनल डे का आउटफिट एंड आज मैंने इयरिंग भी लगाई है। एक्चुअली मैं नीचे वाले कान में कभी भी इयरिंग नहीं लगाती हूँ, इसलिए जब भी मैं लगाती हूँ थोड़ी देर के बाद ना दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लाइट वेट है, देखते हैं क्या होता है। एंड कौन आ रहा है, एक्चुअली 4 ओडिया फैमिलीज है रोजो के लिए, हम लोग हैं, संग्राम माया एंड जो हमारे फ्रेंड ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं वो, एंड यहाँ पर जो ओडिया समाज है ना, तो वहाँ पे ओडिया फेस्टिवल सारे सेलिब्रेट होते हैं। अभी तो कोविड के वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे रथ यात्रा हो गया, हांडी साड़ा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया। तो जो हांडी साड़ा में मैंने एक बार स्टॉल लगाया था ना, तो उस टाइम पे वो मिले थे हमसे, मतलब मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि मैंने स्टॉल लगाया था तो मैं थोड़ा मतलब भीड़ में थी तो पता नहीं चला, हाय हेलो हुआ था बस। तो वो मेरा ब्लॉग फॉलो करते हैं,
तो जब मुझे कोविड हुआ था ना, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत बार मैसेज किया है कि जीत परेशान हो रहे हैं तो मैं खाना बना के भेज देती हूँ, वो यहीं पे रहते हैं, तो बहुत बार उन्होंने बोला कि मैं खाना बना के भेज देती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने उनको मना किया, तो हम लोग सभी को मना कर रहे थे कि मत आओ, तो उस टाइम पे मैंने मना किया था एंड बोला था कि मैं ठीक हो जाऊं फिर वैक्सीन ले लेंगे हम, एंड वैक्सीन के 15 डेज के बाद हम लोग मिलेंगे रोजो में। तो 15 डेज तो हो गया है, तो रोजो के लिए मैंने उनको फोन किया कि आप लोग आओगे हमारे घर, तो उन्होंने बोला हम लोग आएंगे। तो आज वो पहली बार हमारे घर पे डिनर पे आ रहे हैं, तो एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है। तो बाकी सारी तैयारी हो गई, जीत मुझे हमेशा बोलते तो इतनी जल्दी क्यों रेडी कर लेते सब कुछ, पता नहीं मुझ में थोड़ी सी कीड़ा है मेरे अंदर की, जब भी मैं किसी को बुलाती हूँ खाने पे, चाहे वो कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, चाहे वो कितनी बार भी हमारे घर आ चुके हो, मुझे होता है कि उनके आने से पहले सब कुछ रेडी होगा एंड किचन क्लीन होना चाहिए, मतलब सिंक में एक भी बर्तन होना नहीं चाहिए। ये थोड़ा ओसीडी टाइप का है मुझ में, बट है तो है, क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए सब कुछ रेडी कर दिया, बस मुझे ऑरेंज मोइतो का ऑरेंज जूस निकाला है, जो फ्राइंग वगैरह काम है वो सब मैं उनके आने के बाद गर्मा गर्म करती हूँ, बाकी वगैरह किचन घर सब क्लीन रहता है, तो बस घर क्लीनिंग बाकी है। सुबह शिवा ने क्लीनिंग नहीं की थी घर की, तो वो उसने बोला था कि शाम को आएगा, तो शाम को आएगा तो अच्छा हो जाएगा, तो साथ में मिल के घर की सफाई एंड बर्तन वगैरह वो सब हो जाएगा। संग्राम माया भी गए हैं अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर्स वगैरह देखने के लिए, हनी बनी स्कूल गए हैं, तो मैं बस शिवा का वेट कर रही हूँ, शिवा आ जाएगा तो घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी, सब कुछ रेडी हो जाएगा एंड मैं भी रेडी हो गई सुबह, इसलिए मैं नहा ही नहीं थी, मैं कहा फिर इतना सारा खाना बनाना है, नॉनवेज वगैरह तेल वगैरह का, तो दोबारा नहाना पड़ेगा, इसलिए मैं नहा ही नहीं थी। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, फ्री मतलब 5 मिनट टाइम है बस हनी बनी को लेने जाने के लिए, तो थोड़ा झूला झूल लेती हूँ, रोजो स्पेशल झूला, कल से तो फिर झूले के ऊपर कोई नहीं बैठेगा, रोजो है तो हाँ थोड़ा सा बैठ के झूल लेते। राम ने शिवा के लिए कॉफी बनाए, माया बोल रही है ड्रिंक एट योर ओन रिस्क, ऐसा कॉफी नहीं मिलेगा शिवा, ऐसा कॉफी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, आज लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। आ जाओ भैया, क्यों शर्मा रही, मुझे पता है कोई भी इंसान नहीं पी सकता इस कॉफी को, मुझे पता है, इसीलिए आपसे बोल रही थी, ड्रिंक एट योर ओन रिस्क। संग्राम गुड, शिवा कैसा लगा कॉफी संग्राम का? अच्छा है, तो फिर क्यों दूध, तो फिर क्यों दूध, जिंदगी में नहीं मिलेगा संग्राम, संग्राम आपने तो वो बोल रहा था कि मुझे कॉफी पीना है, कॉफी पीना है, तो मैंने बना दिया था चाय, बट अपने तरह नहीं बना था ना वो, भी चलेगा चाय, एक ड्रॉप दूध डालता है वो, चलेगा मुश्किल है, तो वो क्यों डाल रहा है, और मैंने बोला था मैं ले लिया, अब पीठा खा ले, ये लेके जाता हूँ घर पे, क्यों एक पीठा को लेके गए, तो स्वीट नहीं आएगा, काफी अच्छा था, खुद ही खुद बोल रहा है शिवा, तेलुगु में बोल कॉफी कैसा था, अच्छा है, तेलुगु में बोल, भालुंदी, हाँ भालुंदी, चाला भालुंदी चाय, चाला चाय, भागुंदी चाय नहीं है कॉफी, चाला बोला मतलब बहुत बढ़िया, ओह चाला भालुंदी, ओके, स्पाइडरमैन वॉच, स्पाइडरमैन वॉच, व्हाई, बिकॉज़ एवरीबॉडी हैविंग गॉगल्स, एवरीबॉडी हैविंग गॉगल्स, और कहाँ पे जा रहे हो ऐसा वॉच गॉगल्स पहन के, शिवा अंकल उनकी मामू बिल में क्यों है, थैंक यू, मेरे बेटा को लेके नहीं, शिवा अंकल विल टेक दिस फॉर 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 हिज बेबी, ओके, बट नो Thank you.
जो हम केले के पत्ते में खाएंगे, घर में प्लेट नहीं है। पूरा खांटी ओडिया खाद्य और कदली पत्र चौड़ो करके मतलब अच्छा दान नहीं है, ब्राह्मण को दान देंगे। पहले संग्राम माया खाएंगे, ब्राह्मण पूरी ब्राह्मण दक्षिणा। Don't open that drawer. Not he. She. Close it. So guys, यहाँ पे राज्यों में सबसे जो फेमस पिठा होता है उड़ीसा का, उसको बोला जाता है पोड़ो पिठा। तो यहाँ पे दीदी और संगीता पोड़ो पिठा बना के लाए हैं, एंड ये खीर एंड राज्यों पानो, जो ये बहुत स्पेशल होता है उड़ीसा में, जरूर किया जाता है इसको। तो संगीता को तो आप लोग सब जानते हो, ये है जो हमारे न्यू दीदी आए हमारे फैमिली में, है ना। हाय एवरीवन, हैप्पी रोजो बोल दो सबको। हैप्पी रोजो टू ऑल ऑफ यू। एंड ये क्यूटी पाई का फर्स्ट रोजो, क्यूटी पाई का फर्स्ट रोजो, फ्रेनीज फर्स्ट रोजो, है ना, है ना। तारा रे हमने चेक करके बहुत खुश है। अब उसके बाद खाने के बाद और थोड़ा कुछ हो जाएंगे। ये देखो और दो ट्विंस जा रहे हैं, संग्राम और जीत। बाय बाय। राजा फिनिश, राजा खत्म, खत्म हो गया, खत्म खत्म, 3 दिन हो गया। राजा फिनिश, हां मैं भी एडिट कर दूं। एंड टेल टू एवरीवन राजा फिनिश। ओ दैट्स व्हाई एवरीबॉडी गॉन, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी गॉन। तो हो गया, सब लोग चले गए, हम लोग किचन वगैरह सारा क्लीन कर लिए हैं। संग्राम और जीत गए हैं, जीत का कलीग का बर्थडे है तो वो गए हैं, बस हल्का सा पार्टी में मुंह दिखा के आ जाएंगे। खाना वाना तो वो लोग खा चुके हैं, तो उसके बाद माया और संग्राम चले जाएंगे, कल उनकी ड्यूटी है। बट सुबह आज जाएंगे, कल शाम को आ जाएंगे, फिर 10 घंटे 12 घंटे के बाद मिलेंगे, फिर 12 घंटे के बाद फिर मिलेंगे। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, हम लोग बहुत थक गए हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। होप आप लोग को आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, है ना। पसंद आया तो प्लीज बोल, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस, देखो कैन यू से बाय टू एवरीवन, कम हियर, उल्ट एपड़ा डू, कैन यू से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो, कम लाइक शेयर नो लाउडली देन लाइक लाइक नो लाइक
Click. Share. Click. Subscribe. Honey, come here. Can you say bye? Bye. Yeah, yeah. Come here. Come here. Come. Bye. You can. You're not visible. Do you come here? Bye. Come. Come. Come to my bed. Come. Bye. 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 Flying kiss. Bye. Flying kiss. चलेगा वो लोग भी थक गए।